हेलो गाइस, नमस्ते। मैं शोभा जागुड़ी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के अपने इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। तो गाइस, अभी आ रखे मैं एक शॉप पे, और ये शॉप है यहाँ पे जो मतलब मेरे जीजा जी हैं उनकी धर्म बहन फैन है ना। yes. हाँ, तो ये रही हमारे जीजा जी की धर्म बहन। और मैम, आपका नाम? हाँ जी, मेरा नाम रजिंदर कौर है। मैं नाभे तो बिलोंग कर दिया इन पंजाब पटियाला कौर फैशन बुटीक, मेरी बुटीक का नाम है। तो मैं पंजाबी हो बोलूंगी क्योंकि पंजाबी हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या पंजाबी तो पंजाबी बोलोगे। हाँ जी, और आप कभी भी पटियाले आना और विजिट करना यहाँ मेरी शॉप पे। कौर फैशन बुटीक है, सोमवार मंडी पटियाला। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे डिज़ाइन के मैं कपड़े स्टिच करती हूँ। देखो ये डिस्प्ले हुए पड़े हैं अच्छे अच्छे डिज़ाइन के कपड़े इस तरह से। ये देखो आप, ये देखो ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। ये देखो, ये देखिए, आप लोग देख ही सकते हो ये इतने सारे डिजाइन। ये कप बाजू है, ये लेस वर्क है, ये भी हम खुद करते हैं। और जब आपको अच्छा लगे तो यहाँ पे विजिट करना पटियाला, पंजाब के पटियाला। हाँ, सोमवार मंडी, सोमवार मंडी के पास जब भी आपका दिल करे जरूर आइए। आप आना तो आपको डिस्काउंट पे स्टिच करके दूंगी मैं। हाँ बिल्कुल, डिस्काउंट भी मिलेगा आप लोगों को। और यहाँ पे मेरे स्टूडेंट है, स्टूडेंट वगैरह सभी लोग, एक बार हाय बोलो सभी लोग। तो ये रहा इनका बुटीक। और हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो जिया जी ने बोला कि थोड़ा उनसे भी मिलके चलते हैं, अच्छा लगेगा। तो मिले, अच्छा लगा इनसे मिलके। और मेरी बहन की और इनकी तो खूब बनती है, जब भी देखो कौन आ रहा है वो सिलाई वाली आ रही है। और पंडित जी की फैमिली बहुत अच्छी है, कभी मेरे को भी महसूस नहीं होने देते कि मेरे कौन से मायके हैं। ये बहुत अच्छे हैं, ये पंडित लोग वैसे बहुत अच्छे होते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि ये मुझे दिल से ही बहन मानते हैं मेरे को। तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। हाँ। मेरी फैमिली याद नहीं आती मेरे को, ये भी बहुत अच्छे हैं। इनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तो पहले ही बोल दिया कि ब्लॉग वाले ब्लॉग वाले आ गए। हाँ जी, तो चलो ठीक है, आप चल रहे बाय। तो गाइज, हम आ चुके हैं दीदी लोगों के घर से भी वापिस, और अब हमारी जाने की तैयारी है। अब जा रहे हैं पठानकोट, तो सभी लोगों से मुलाकात करते हैं और चलते हैं। तो गाइस, हम घर से निकल चुके हैं और मन भी उदास हो रहा जाने में, लेकिन क्या करें, जाना तो है ही। और अब हम चल रहे हैं सबसे पहले यहाँ से बस स्टैंड, वहाँ से देखते हैं हमें डायरेक्ट बस मिलेगी या बदल बदल के जाना पड़ेगा। जो भी होगा आप लोगों को दिखाते रहेंगे। तो गाइस, हम बस स्टैंड आ चुके हैं और यहाँ पे बस का पता कर रहे हैं। प्रिंस के पापा यहाँ पे बस का पता कर रहे हैं कि बस है, देख रहे हैं। तो गाइस, हम बस में बैठ चुके हैं और हमें जो है तो डायरेक्ट पठानकोट की बस नहीं मिली है। हम पहले जलंधर तक जाएंगे, उसके बाद वहाँ से पठानकोट की बस मिलेगी। और हम ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं प्रिंस के लिए। हम लोग पहुंच चुके हैं लुधियाना और तबीयत भी खराब हो रही मेरी भी और बच्चों की भी है नी, प्रिया की भी तबीयत खराब हो रही और मेरी भी। तो अभी तो जलंधर बहुत आ गया, अभी तो हम लोग खाली लुधियाना पहुंचे। गाइस, टाइम हो चुका है शाम के 6:30 और हम पहुंच चुके हैं जलंधर बस स्टैंड पे इस टाइम।
और ठंड भी हो रही है बाहर, तो इससे आगे देखेंगे हमें पठानकोट की बस मिलेगी। तो गाइस ये है जलंधर बस स्टैंड और देखिए कितना बड़ा है। तो गाइस हम जलंधर से भी निकल चुके हैं और यहाँ पे बच्चों ने कुछ खा पी भी लिया था, तो चल रहे आगे पठानकोट को, देखते हैं अब कितने बजे तक पहुँचना होता है। तो गाइस हम फाइनली पठानकोट पहुँच चुके हैं और इस समय हम ऑटो में बैठे हुए हैं रूम पे जाने के लिए, तो टाइम भी 9 बज चुके हैं पूरे और बहुत ठंड भी हो रही है, तो चलते हैं मेरे साथ है प्रिंस और प्रिया। अभी इनके पापा आगे बाइक से चले गए हैं क्योंकि हमें लेने यहाँ पे आए थे हमारे जिठानी के लड़के, और चलते हैं। तो गाइज हम घर पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो है तो हमारी बहू रानी ने घेंजा बना रखे हैं, पहाड़ी घेंजा जो कि हमारे गढ़वाल में बनते हैं स्पेशल। आज के दिन जैसे पंजाबियों में लोहड़ी होती है तो हम गढ़वालों में घेंजे होते हैं, तो हमारे घेंजे तैयार होते हैं और ये मक्के के आटे से बनते हैं, तो यहाँ पे हमारी बहू रानी ने बना के रखे हैं। तो मैं आपको अपनी पोती से भी मिलवाती हूँ और ये रही हमारी पोती परी। हेलो बोल। हेलो गाइज, कैसे हो आप? ऐसे बोल, मेरा नाम क्या है, नाम बताओ अपना। आराध्या। आराध्या, मैंने तो परी सुना था, आराध्या भी है। हाँ। तो ये हमारी पोती है और पोता वहाँ पे सर मार रहा है नी, तो प्रिंस रहने दे उसको, अभी अभी नहीं उसका मूड, तो अब घेंजा खाते हैं और घेंजा का आनंद लेते हैं। और अभी मैं आपको अपनी बहू बेटे सभी से मिलवाऊंगी, मतलब जो हमारे जेठानी के बहू बेटे हैं। तो घेंजा का आनंद लेते हैं। तो गाइज हम लोग फाइनली पठानकोट घर में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आके जो है हमारी बहू रानी ने सबसे पहले हमारे लिए घेंजा बना रखे थे, जो कि हम पहाड़ियों का त्यौहार होता ही है आज के दिन पंजाबियों में, जैसे लोहड़ी होती है तो हम गढ़वाले में घेंजा होते हैं घेंजा तैयार। तो जो जो लोग गढ़वाली होंगे समझ जाएंगे कि घेंजा क्या चीज़ होती है और किस चीज़ से बनाए जाते हैं। तो अभी थकान भी हो रखी है, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आए, पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय।